सुन के फील अच्छे के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर माइक्रोमीडिया फ्लैश। फ्लैश किस लिए यूज़ किया जाता है आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। ये वेब पेजेस, वेब डिज़ाइनिंग के एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कार्टून्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एनिमेटेड मूवीज और कार्टून्स जो बनाए जाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप फ्लैश का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, सब में काम सेम होता है। ठीक है, हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोमीडिया फ्लैश 8 है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लैश के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। हमारे पास ये डेस्कटॉप पे ये मौजूद है, हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स पर काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से फ्लैश डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फ्लैश डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। एंड आपका फ्लैश का टॉपिक नंबर 4 शाइनिंग एनिमेटेड टेक्स्ट, किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर शाइनिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आज वो करेंगे। और इसमें यूज़ होगा अनियन स्किन का, जैसे अनियन के ऊपर अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह से हम क्या करेंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग कलर्स की लेयर्स बनाकर फिर उसे शाइनिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे शाइनिंग के तौर पर। ठीक है, अपना टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, शाइनिंग एनिमेटेड टेक्स्ट। सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी फिल कलर ले लेंगे और आउटलाइन कलर आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। आउटलाइन क्लोज करने के बाद कोई भी फिल कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो अपना टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे ए जो बना हुआ है ये टेक्स्ट टूल कहलाता है, इसकी शॉर्टकट की टी इसको भी यूज़ करके लिख सकते हैं। दूसरा हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हम ब्रश टूल से लिखेंगे, तो हम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी शॉर्टकट की बी। ब्रश टूल जैसे सेलेक्ट करेंगे नीचे इसके ऑप्शन आएंगे, यहाँ ऑप्शन में जाकर आपने क्या करना है, ब्रश का कोई भी साइज और ब्रश की कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके पेज के ऊपर अपने टेक्स्ट को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने टेक्स्ट अपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई भी आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की है बी। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन होंगे, इन ऑप्शन के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा जो अनियन स्किन होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको क्या होगा, अनियन स्किन जो होगा वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर अनियन स्किन को अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे ताकि आपके यहाँ से फ्रेम रेट आगे बढ़ती जाए। F6 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिल कलर को चेंज कर दिया जाना है। ठीक है, इसी तरह आप बार बार F6 प्रेस करते जाएंगे और यहाँ से अपने फिल कलर को चेंज कर दिए जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए और साथ में अनियन स्किन एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जितनी बार आप करना चाहते हैं बार बार F6 प्रेस करके जितना आप उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप F6 प्रेस कर करके चेंज करते जाएंगे और कलर अप्लाई करते जाएंगे, जितने ज़्यादा कलर्स आप उसके ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बार बार आप F6 प्रेस करते जाएंगे और फिल कलर चेंज करते जाएंगे। वन बाय वन F6 प्रेस करेंगे और वन बाय वन हम क्या करेंगे, अपने फिल कलर को चेंज करते जाएंगे। अब अपने टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो आप क्या करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे,
कंट्रोल F3 के प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद अब यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, मैं ब्लैक कलर ले लूँ। यहाँ से आप अपने कलर्स की स्पीड जो फ्रेम रेट है वो सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करके यानी कि शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर से टेस्ट मूवी यानी कि अपने रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो यहाँ से कंट्रोल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप टेस्ट मूवी यानी कि अपना रिजल्ट जो है उसकी स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ऑप्शन में जाकर यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसका रिजल्ट देखें। अब अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड लिमिट को सेट कर सकते हैं, यानी कि वही आप कंट्रोल एक्स से प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसका फ्रेम रेट सेट कर देंगे, फिर आप कंट्रोल एंटर से रिजल्ट देखेंगे। इस तरह से आपका टेक्स्ट शाइन करके आ रहा होगा। तो इस तरह से अनियन स्किन को यूज़ करते हुए हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर शाइनिंग एनिमेशन क्रिएट किए। तो ये आपका आज का टॉपिक नंबर 4 शाइनिंग एनिमेटेड टेक्स्ट विथ अनियन स्किन कम्प्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए, आप इसे सेव कर सकते हैं। आप सेव किस तरह से करेंगे, फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है, कोई भी नाम लिख के कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की कंट्रोल एस, लेकिन इससे क्या होगा, ये एज अ सॉफ्टवेयर सेव हो रहा होगा, यानी कि अगर आपको बाद में एडिटिंग करनी है, चेंज करनी है, तो एज अ सॉफ्टवेयर आप इसे सेव करके ओपन करके दोबारा इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप एज अ वीडियो या एज अ पिक्चर किस तरह से सेव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ से अगर आप, दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप एक्सपोर्ट इमेज सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो ये काम है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सामने स्क्रीन पे एज इट इज़ नज़र आ रहा है ऐसे सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसा हमने रिजल्ट में देखा है अलग अलग कलर्स के साथ शाइनिंग होता हुआ हमारा टेक्स्ट आ रहा था, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट मूवी, ठीक है। तो वो क्या होगा, जिस तरह से रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट इसका शो हो रहा था, वैसे ही हमारे पास एज अ मूवी के तौर पर सेव हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, ठीक है। अगर शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करके भी आप एक्सपोर्ट मूवी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँ कि यहाँ डेस्कटॉप फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फाइल का नाम ले लेंगे और यहाँ से सेव पर आप क्लिक कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो चाहे तो कंट्रोल ऐसे से एज अ सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर फाइल भी आप सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, तो आप उस करके फिर से दोबारा एज अ मूवी और पिक्चर सेव कर सकें। हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे ये हमारी ये फाइल ओपन है, यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास एज अ मूवी की, एज अ मूवी सेव हो जाएगा। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।